नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम उत्तराखंड का महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। चंपावत विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा के बाद चुनावी बिगुल बज चुका है। एक तरफ जहां बीजेपी के दिग्गजों ने चंपावत में डेरा डाल दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अब सबकी निगाहें मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की ओर लगी है। कांग्रेस 1 से 2 दिन के अंदर अपना प्रत्याशी घोषित करेगी कि चंपावत से हाथ के पंजे पर कौन चुनाव लड़ेगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि जल्द ही वरिष्ठ नेताओं से चर्चा के बाद प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। चंपावत उपचुनाव के लिए 31 मई को मतदान होना है। 4 मई को इसकी गजट अधिसूचना जारी हो जाएगी। इसके बाद नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। 11 मई नामांकन की आखिरी तारीख है। पुष्कर सिंह धामी 9 मई को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं बीजेपी नेता कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत को चुनाव लड़ने की चुनौती दे रहे हैं। बीजेपी के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि अगर कांग्रेस अपना भ्रम तोड़ना चाहती है तो हरीश रावत को चंपावत से चुनाव लड़वाकर देख ले। साफ हो जाएगा कि उत्तराखंड की जनता किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी खटीमा की हार को शायद भूल गई है। हमारा कोई भी प्रत्याशी खड़ा हो वो जीतेगा, बीजेपी का ये बचकाना बयान है। वहीं कांग्रेस चुनौती को स्वीकारने वाले बयान पर साफ जवाब देती नजर नहीं आई कि क्या कांग्रेस बीजेपी की चुनौती स्वीकार करेगी या नहीं। अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या हरीश रावत खुद इस बयान का जवाब देंगे या फिर कांग्रेस मिलकर बीजेपी की चुनौती को स्वीकार करेगी और पूर्व सीएम हरीश रावत को सीएम पुष्कर सिंह धामी के सामने प्रत्याशी के तौर पर खड़ा करेगी। है कि हरीश रावत जी को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बना करके और उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा के रूप में उतार करके कांग्रेस ने ये मैसेज दिया था कि अगर कांग्रेस सरकार आई तो हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन जिस तरीके से इस प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को और स्वयं हरीश रावत को नकारा, बुरी तरीके से मात्र 19 सीटों पर सिमट गए, उससे स्पष्ट संदेश था कि यहाँ की प्रदेश की जनता पुष्कर धामी जी को और भाजपा की सरकार चाहती थी। अनफॉर्चुनेटली कुछ खटीमा की ऐसी परिस्थितियाँ हुई, कुछ अंदर भीतर घात, कुछ और बहुत सी बातें हुई जिनकी वजह से वो सीट हम जीत नहीं पाए धामी जी की। आज कांग्रेस के मित्र बहुत सी बातें कह रहे हैं, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, चुनाव सामने है, पुष्कर धामी भी हैं, कांग्रेस चाहे तो हरीश रावत जी को उतार दे, जनता ये तय कर देगी कि इस प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री किसे चाहती है, कौन लोकप्रिय नेता है, फिर से एक बार टेस्ट हो जाएगा। कहना है आपका, देखिए भारतीय जनता पार्टी का बयान बिल्कुल ठीक दुरुस्त रहा है। विनाश काले बुद्धि, अरे खटीमा का रिजल्ट भूल गए, वही पुष्कर सिंह धामी तो थे, वही उस समय सीएम थे, काहे ललकाते हो। और हमारे एक कार्यकर्ता ने उनको हराने का काम कर दिया, मोहन कापड़ी ने हरा दिया, तो इस तरह से ललकारना ये बचकानी बातें। हम चंपावत में भी खटीमा नजर देंगे, ये भारतीय जनता पार्टी को हम आज चैलेंज करके कह रहे हैं कि चंपावत और खटीमा लगा हुआ सीमा है। वहाँ के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि खटीमा में जब ये विधायक थे तो कोई काम नहीं किया, वहाँ की जनता ने उनको नकारा है। तो चंपावत की जनता आज पूछ रही है कि जीते हुए विधायक को इस्तीफा क्यों देना पड़ा हारे हुए के सीएम बनाने के लिए। हमारा विधायक जो गैतोड़ी था उसको को सीएम क्यों नहीं बनाया, पूछे हैं वो, आज पूछेंगे, उसका जवाब देना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। कांग्रेस के पास बहुत मजबूत प्रत्याशी हैं और हम निश्चित तौर पर वन कापड़ी जी वाला जो खटीमा का रिजल्ट है वो चंपावत में भी दोहराने का काम करेंगे। देखिए चंपावत उपचुनाव को लेकर कांग्रेस बैकफुट पर है। उनके जो मुख्यमंत्री के दावेदार रहे और कांग्रेस के जो बड़े नेता हरीश रावत जी हैं, हमने तो उनसे कहा था कि आप इतने जनाधार वाले नेता हैं तो आकर लड़े हो चंपावत में, लेकिन वो तो हथियार डाल चुके हैं। उन्होंने कहा मेरे कोई उद्देश्य ही नहीं है चुनाव लड़ने का। कांग्रेस हताश है, निराश है और कांग्रेस में कोई दम नहीं है जो चंपावत में वो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सके। एक तरफा चुनाव है, माननीय मुख्यमंत्री जी भारी अंतर से जीत रहे हैं और अगर हरीश रावत में दम हो, कांग्रेस में दम हो, तो जिसको मर्जी वहां लड़ा ले, हरीश रावत को लड़ा ले, लेकिन वहां पर तो कोई लड़ने को तैयार नहीं हो रहा है।
कांग्रेस को मंथन करना पड़ रहा है अपना प्रत्याशी चुनने के लिए, ये हाल कांग्रेस का क्या है। चंपावत में बाय इलेक्शन के लिए पूरा तैयारी हो चुका है। हमारा लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन 11th मई को होगा, स्क्रूटिनी 12th मई को होगा और लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल 17th मई को होगा। जो डेट ऑफ पोल है वो 31st मई को होगा और जो काउंटिंग है वो 3rd जून के लिए होगा। तो ये अनाउंसमेंट भी कर दिया गया है। और उसके बाद जो हमारा ट्रेनिंग है, जो ROs का ट्रेनिंग है और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स और PO1 PO2 PO3 उनका ट्रेनिंग का शेड्यूल भी DO साहब ने वहाँ पे ड्रॉ किया है। उसके बाद जो सिक्योरिटी के लिए और वल्नरेबिलिटी मैपिंग के लिए जो कार्यवाही किया जाना है वो भी कार्यवाही ऑन प्रोसेस में है। और जो हमारा जो सेक्टर ऑफिसर्स और जोनल ऑफिसर्स का ट्रेनिंग, उसके बाद जो EVMs हमें चाहिए तो EVM का जो मूवमेंट है वो भी कर चुके हैं हम। जो जितना EVMs उनको वहाँ पे चाहिए वो भी उसका भी मूवमेंट और उसका FLC और उसके बाद उसका रैंडमाइजेशन के लिए जो तैयारी करनी है वो भी हो चुका है। इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। चलिए अपने मुद्दे का हम रुख कर लेते हैं, चंपावत उपचुनाव के मसले पर अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। तीन मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। हरीश माखुरी जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। और सूरत सिंह नेगी जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। हरीश जी आपका भी स्वागत है ANB न्यूज पर। संजीव जी शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। अभी जानकारी मिल पाई है सर, कांग्रेस पार्टी ने आपकी चुनौती को स्वीकार किया या नहीं किया है? CM धामी के सामने हरीश रावत को आप प्रत्याशी बनाने की मांग कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, चुनौती स्वीकार करती हुई दिख रही है क्या कांग्रेस पार्टी? पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त है जीत के प्रति, और हमने पहले भी कहा कि जिसके अंदर दम है आ जाए, A to Z जो भी प्रत्याशी को कांग्रेस पार्टी माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के खिलाफ उतारना चाहती है वो आए, सबका स्वागत है। और हरीश रावत जी को भी हम बोलते हैं, हम चैलेंज दे रहे हैं कि आइए आप अगर अपने आप को एक उत्तराखंड के एक सर्वमान्य नेता समझते हैं और आपके अंदर अभी भी कुछ और अभी कोई चाहत बची शेष है तो उस चाहत का भी आप परिचय दीजिए। और मैं सोचता हूँ जिस प्रकार से 7 लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जिस प्रकार से हरीश रावत जी पिछले काफी लंबे समय से उत्तराखंड की राजनीति में रहते हुए हारे हैं, मैं सोचता हूँ 7 क्या उनके खाते में 8 दर्ज हो जाएंगे। चलिए सूरज सिंह नेगी जी पूरा कॉन्फिडेंट में है इस समय भारतीय जनता पार्टी कि चंपावत सीट उन्हीं के खाते में जाएगी, आपको किस बात का कॉन्फिडेंस है सर? क्योंकि चंपावत सीट तो पहले भी बीजेपी के पास थी, अब वहां से प्रत्याशी बदल गया, तो आपको ये लग रहा है कि CM धामी जो है यानी कि व्यक्तिगत रूप से लोग उनके खिलाफ है इसलिए धामी जी की वहां से हार हो जाएगी और आपका प्रत्याशी जीत जाएगा? ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनता पर थोपा गया चुनाव है, क्योंकि 47 विधायकों में से कोई भी विधायक इस योग्य नहीं था कि जिसको ये मुख्यमंत्री बना सकते। अब इन्होंने एक हारे हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया और जहां तक भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम पूरी तैयारी में और ये पूरे घमंड में है, तो इनको मैं ये याद दिलाना चाहूंगा कि धामी जी 6 महीने पहले से ही जो है मुख्यमंत्री का चेहरा थे और ये निश्चित था कि धामी जी लड़ेंगे और इतनी बड़ी तैयारी, मुख्यमंत्री का चेहरा, मुख्यमंत्री जी चलाओ लड़ रहे हैं, तब भी हमने तो चुनाव से कुछ ही दिन पहले प्रत्याशी घोषित किया और उस प्रत्याशी के हाथ जो है मुख्यमंत्री धामी जी को मात खानी पड़ी, तो इसलिए इनका जो ये घमंड है ये भी जो है चूर हो जाएगा। निश्चित तौर पे बहुत जल्दी जो है हमारा प्रत्याशी होगा और जिस प्रकार से इन्होंने पिछले आम चुनाव में जो है वोटों का ध्रुवीकरण किया, सांप्रदायिक रंग इस चुनाव को दिया, उसके ऊपर से ये जो है सरकार में बैठे हुए हैं, परंतु जो है ये जो चुनाव है ये उत्तराखंड के चंपावत की जनता भारतीय जनता पार्टी से पूछेगी कि क्या उनके जो द्वारा जो जिताए हुए विधायक थे क्या
क्या उनके अंदर मुख्यमंत्री बनने की योग्यता नहीं थी? क्यों उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया? क्यों उनसे इस्तीफा दिलवाया गया? तो ये सारे सवाल थे और वहाँ की जनता निश्चित तौर पर यह कहेगी कि इन्होंने चंपावत की जनता का अपमान किया है, जनता के चंपावत के निर्वाचित विधायक को इस्तीफा दिलाने का काम किया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने जो चंपावत की जो चुनाव सौंपा है, निश्चित तौर पर जनता इसका जो है जवाब भारतीय जनता पार्टी को देगी। हरीश माखुरी जी, आवाज मिल रही है आपको? हरीश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? बताइए हरीश माखुरी जी, चंपावत उपचुनाव के समीकरण फिलहाल आप क्या देख रहे हैं? बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों ही चुनावी मैदान में हैं। समीकरण क्या बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं आपको? नहीं, हम समीकरण तो एक्चुअली जनता बनाती है और बिगाड़ती है। ये तो जनता का भरोसा है, जनता का फैसला होना है, जनता का निर्णय होना है, जनता के ऊपर ही है। इसीलिए तो हम लोग चुनाव में जा रहे हैं। लेकिन तैयारियों के हिसाब से हम जरूर बात करेंगे कि जो सत्ताधारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, की तैयारी काफी पहले से ही चल रही है। उनके कार्यकर्ता वहां मैदान में चले गए हैं, ये भी तय हो गया कैंडिडेट ये। दूसरी जो पार्टियां हैं उन्होंने अभी तक कैंडिडेट भी तय नहीं किया है और लगभग मैदान में भी वो अभी दिख नहीं पा रहे हैं। तो तैयारियों के हिसाब से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी लीड ले गई है, लेकिन फैसला जनता ने करना है। अगर ऐसा होता तो निश्चित रूप से उसको जनता ही करे तय करती है कि कौन होगा कैंडिडेट और किस तरह के समीकरण बनेंगे। लेकिन चुनाव में क्या होता है कि अगर जहां से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहा है, बना हुआ मुख्यमंत्री है, आगामी 5 वर्षों तक जो है इसमें चुनाव ने मतलब 4 और 4.5 वर्षों तक पूरा मुख्यमंत्री ने रहना है, तो निश्चित रूप से एक वेटेज मुख्यमंत्री को ऑलरेडी जाता है। जी, चलिए चर्चा हम जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, उससे पहले यहां रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा की एक बार फिर से शुरुआत कर लेते हैं। संजीव वर्मा जी, सूरज सिंह नेगी जी कह रहे हैं कि आपने जनता पर जबरन थोपा है चंपावत का उपचुनाव और इसका जवाब आपको इन उपचुनावों में मिल जाएगा। पल्लवी जी, देखिए कांग्रेस के पास किस समय बोलने के लिए कुछ नहीं है, कहने के लिए कुछ नहीं है, न उनके पास कोई और आज उनके उनको अभी तक कोई अपना प्रत्याशी तक ढूंढना उन लोगों के लिए भारी पड़ रहा है। और जिस तरह से कांग्रेस के अंदर जबरदस्त गुटबाजी है, मैं सोचता हूँ कि एक बार उनका प्रत्याशी तय तो होने दीजिए, एक बार उनका प्रत्याशी तय होने दीजिए, उसके बाद मालूम पड़ेगा कि वो कौन से गुट को बिलोंग करता है। शेष सारे गुट उसको लाने में सक्रिय हो जाएंगे, इस चीज का मैं दावा करता हूँ। और जिस प्रकार से आज कांग्रेस के प्रवक्ता गरिमा कौसानी जी ने एक बयान दिया है कि जो खटीमा के विधायक हैं उन्हीं को चुनाव मैदान में उतार दिया जाए, तो मतलब एक बड़ा एक हास्यास्पद सा एक वातावरण में इनका दिखाई दे रहा है। उनको उनकी बात से बिल्कुल साफ परिलक्षित हो रहा है कि वो लोग पहले से स्वीकार कर चुके हैं कि हम लोगों ने चुनाव तो हारना ही है, तो चाहे जिसे भी मर्जी हम बलि का बकरा बनाए, तो बलि का बकरा कोई भी हो सकता है। कांग्रेस पूरी तरह से एक दर्शक की भूमिका में है और जिस प्रकार से वो भी एक ऐसे दर्शक जो जिनको ताली बजाने की आदत ही नहीं है, वो केवल होटिंग कर सकते हैं और सीटी बजा सकते हैं, वो वही भूमिका में आज कांग्रेस पार्टी है। और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के पास ना कुछ बोलने के लिए, ना कुछ कहने के लिए, ना उनके पास विकास का एजेंडा है, हम आएंगे तो क्या करेंगे ये बताने के लिए भी वो लोग उन लोगों के पास कुछ है नहीं। जिस प्रकार से पूरा चुनाव उन लोगों ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जुम्मे की छुट्टी के नाम पर लड़ा, पूरा का पूरा चुनाव उन लोगों ने सीधे सीधे एक तुष्टीकरण की भेंट चढ़ा दिया, मैं सोचता हूँ बड़ा दुर्भाग्य का विषय है।
और भारतीय जनता पार्टी एक इतिहास कायम करने जा रही है। चंपावत का आप चुनाव होने दीजिए, एक तरफा जीत माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी की होने वाली है और मैं सोचता हूँ उत्तराखंड के लिए एक नया इतिहास हम लोग कायम करेंगे। बात कही कि एक ऐसे शख्स को मुख्यमंत्री इन्होंने बना दिया जो अपनी ही सीट से हार गए। आप ये भी तो सोचिए सर कि उन्होंने विश्वास जताया सीएम धामी के नेतृत्व में, सीएम धामी के चेहरे पर उत्तराखंड का विधानसभा चुनाव लड़ा गया, उस शख्स को उन्होंने इनाम तो दिया है उनकी मेहनत का। आपके यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं देखने को मिलता है सर कि जिसकी मेहनत है उसे इनाम दिया जाए, उल्टा उसे उसके पद से मुक्त कर दिया जाता है जो कि अभी हाल फिलहाल में देखने को भी मिला। उसके बाद एक बार फिर से रार खुलकर सामने आ गई कि किस तरीके से चेहरे बदले गए, पद बदला गया, पदभार बदले गए, ये इनाम दिया जाता है किसी की मेहनत का। देखिए पल्लवी जी, जहां तक बात भारतीय जनता पार्टी की है तो भारतीय जनता पार्टी जो मैंने सवाल इनसे पूछे थे उनका कोई भी जवाब ये इनके पास नहीं है। क्या ये इन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि क्यों नहीं जो है ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व द्वारा जनता पर थोपा गया चुनाव है? 47 विधायकों में से एक भी विधायक ऐसी योग्यता नहीं रखता जो मुख्यमंत्री का चेहरा बन सकता था, मुख्यमंत्री बन सकता था, उसको विधायकों में से किसी को मौका नहीं दिया। एक हारे हुए विधायक को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया और अब ये कहते हैं कि हमने मुख्यमंत्री जो है धामी के चेहरे पर चुनाव लड़ा तो फिर ये मोदी जी का चेहरा कहाँ चला गया? तो बोलते ही है ना डबल इंजन सर, डबल इंजन तो वो बोलते ही। आप हर प्रदेश का देख लीजिए, यूपी में मोदी योगी के नाम पे लड़ा गया, उत्तराखंड में धामी मोदी के नाम पर लड़ा गया, उनका तो वर्ड ही यही है डबल इंजन। पल्लवी जी, नहीं, पल्लवी जी अगर आपको याद होगा तो इन्होंने मोदी संघ उत्तराखंड के नारे पर चुनाव लड़ा, धामी संघ उत्तराखंड नहीं था वहां पर। योगी जो है उत्तर प्रदेश में उपयोगी थे परंतु यहाँ पर इन्होंने धामी को कभी उपयोगी नहीं बताया जब ये मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित हुए। तो ये लोग जो है अगर धामी जी इतने ही जनता को प्रिय थे, लोकप्रिय थे, तो अपनी सीट से क्यों हार गए? जहाँ पर उन्होंने 10 साल काम किया, 6 महीने मुख्यमंत्री के रूप में काम किया, वहां की जनता ने उनको क्यों नकार दिया? ये सवाल भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है। और चूंकि चंपावत जो है उसी से लगा हुआ एरिया है, पूरा जानते हैं कि मुख्यमंत्री की क्या कार्यशैली है, मुख्यमंत्री से उसके क्षेत्र के ही लोग जो है नाराज है, उन्होंने ये उनको जो है अलोकप्रिय कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में चंपावत की जनता भी जो है खटीमा जैसा निर्णय देने वाली है। गणेश गोदियाल जी से पूछिए, हरीश रावत जी से पूछिए। नहीं नहीं, हरीश रावत जी से क्या पूछोगे, आप अपने उससे पूछो ना। आप जनता को ये भी तो बताओ कि जो आपने अच्छे दिनों पे वादे किए थे जनता से, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, तमाम जो है मुद्दे, बिजली कटौती से लेके वनाग्नि से लेके सारे मुद्दों पर तो जो है मुख्यमंत्री और आपकी सरकार फेल है। तो किस मुद्दे पर आप जो है जनता के बीच में जाएंगे? एक एक मुद्दे का जवाब दूंगा मैं, एक एक मुद्दे का जवाब दूंगा आपसे। नहीं, ये भी बता दीजिए ना, आपने पहले अपने बारे में ये नहीं बताया कि क्या ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व द्वारा चंपावत पर छोटा गया चुनाव नहीं है? निर्वाचित विधायक से आप इस्तीफा दिलाते हैं, मुख्यमंत्री को वहां से लड़वाते हैं, ये क्या ये आपके द्वारा छोटा गया चुनाव नहीं है? चलिए जवाब ले लेते हैं सूरज जी, जवाब ले लेते हैं संजीव वर्मा जी से, उसके बाद मुझे हरीश जी का भी रुख करना है। बताइए संजीव वर्मा जी। पल्लवी जी, जिस तरह से मेरे कांग्रेस के मित्र लगातार महंगाई की बात कर रहे हैं तो इनको उत्तराखंड की महंगाई तो दिखाई दे रही है, लेकिन राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, वहां पर जो आज महंगाई से त्राही त्राही माम हो रहा है वो इनको दिखाई नहीं देता। आपको प्रदर्शन डबल इंजन नहीं, राजस्थान में डबल इंजन है, राजस्थान में डबल इंजन है, छत्तीसगढ़ में डबल इंजन है, ये तो बता दीजिए। 118 रुपए पेट्रोल है, महाराष्ट्र में 120 रुपए पेट्रोल है, यहाँ पर बिजली 3 रुपए 94 पैसे है, वहाँ 14 रुपए 14 रुपए जीएसटी के दायरे में लाइए ना, पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाइए। आपने अभी बिजली संकट की बात करी, हमारी
सरकार ने जैसे ही बिजली की थोड़ी सी किल्लत हुई तमाम साधनों से चाहे मार्केट से बिजली खरीदने का मामला हो चाहे आसाम से टैक्स करने का मामला हो और हमने प्रदेश की जनता को और किसी प्रकार से दिक्कत नहीं आने दी चाहे हमको महंगी बिजली मार्केट से खरीद के उपभोक्ताओं को देनी पड़ी। आज की तारीख में आज प्रदेश भर में कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई किल्लत नहीं कोई पावर कट नहीं हो रहा है। पिछले चार दिन से बिजली की जो सप्लाई है पूरी तरह से सामान्य हो गई है पूरे प्रदेश में। जहां आपके राजस्थान में 13-13 घंटे की लगातार बिजली की कटौती हो रही है, महाराष्ट्र में लगातार बिजली की 10 और 12 घंटे कटौती हो रही है, छत्तीसगढ़ में अरे भाई उत्तराखंड की बात करिए और डबल इंजन की बात करिए। मेरे भाई उत्तराखंड की मैं बात कर रहा हूँ, मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। उत्तराखंड में कटौती आपके राजस्थान में कटौती है, अरे भोजन में कटौती चल रही है, गाँव से पूछिए ना जहाँ कटौती हो रही है। आपको बिजली के लिए किसी राज्य सरकार की आलोचना करनी है आप राजस्थान जाइए। आपको अरे ऊर्जा प्रदेश राजस्थान के ऊर्जा प्रदेश है, अरे आप प्रवक्ता राजस्थान के हैं उत्तराखंड के हैं, आप उत्तराखंड की बात करिए। वहाँ की जब कम कायदे की बात आती है आपको शाम से हो जाता है वहाँ की जनता ने भी ऊर्जा प्रदेश। चलिए ठीक है, इधर उधर भटकने से बेहतर है कि हम वापस चंपावत लौट आए, इधर उधर भटकने से बेहतर है हम वापस चंपावत लौट आए ना संजीव जी। चंपावत उपचुनाव के बारे में बात हो रही है, अब इस उपचुनाव में राजस्थान छत्तीसगढ़ और झारखंड का कोई लेना देना नहीं है सर। मैं ये कह रही हूँ कि चंपावत उपचुनाव में छत्तीसगढ़ राजस्थान झारखंड महाराष्ट्र का क्या लेना देना आप ये बताएं। एक सीट पर उपचुनाव हो रहा है उसमें इतने सारे मसले उठ जाएंगे, यही बहुत बड़ी बात है कि इतने मुद्दों को तूल दे पाएंगी विपक्ष, आप दे पाएंगे सूरज जी, आप बता पाएंगे चंपावत के लोगों को कि कहाँ बिजली आ रही है, कहाँ पानी आ रहा है, कहाँ क्या समस्या हो रही है। विधानसभा के चुनाव में तो आप अहम मुद्दों को मुख्य मुद्दे बना नहीं पाए सर, अब एक उपचुनाव में आपको लग रहा है कि आप राजस्थान पंजाब हरियाणा जाने कहाँ कहाँ के मुद्दे उठा लेंगे। नहीं नहीं हम नहीं उठानेंगे, हम कहेंगे ऊर्जा प्रदेश में जो है ये इतने 6-6 घंटे की जो कटौती है वो क्यों हो रही है और कहीं पर तो घोषित कर रही है घोषित कटौती है ना, जंगलों की आग। दोनों को ही रोकना चाहूंगी मैं, दोनों को ही रोकना चाहूंगी सर। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम पहले यहाँ रुक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हरीश माखुरी जी आप करूंगी सर, आप बताइए चंपावत उपचुनाव के मुख्य मुद्दे क्या नजर आ रहे हैं आपको, क्या इस उपचुनाव में इतने बड़े बड़े मुद्दों को महत्वपूर्ण मुद्दों के तौर पर पेश कर पाएगा विपक्ष? माखुरी साहब आवाज मिल रही है आपको? नहीं पहुंच रही हरीश जी तक आवाज। संजीव वर्मा जी, चंपावत उपचुनाव के बारे में बात हो रही है सर, अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ झारखंड महाराष्ट्र का कोई लेना देना नहीं, और उनकी बात भी सही है, उत्तराखंड में अघोषित कट लग रहे हैं तो उपचुनाव के दौरान ये बातें तो उठाएगा ना विपक्ष कि आपको मिल क्या रहा है इस समय राज्य में, सरकार आपके लिए कर क्या रही है। पल्लवी जी देखिए, पहली बात तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो आपने अभी घोषित कर की बात करी है वह बिजली की किल्लत हुई थी, हम स्वीकार करते हैं बिजली की किल्लत थी, लेकिन सरकार ने बहुत तेजी के साथ बहुत गंभीरता से कदम उठाते हुए चाहे मार्केट से बिजली परचेज करने की बात हो तो आसाम गवर्नमेंट से हमारे 51 मिलियन यूनिट का जो एक साल का करार हुआ है, चाहे उनकी बात हो चाहे अन्य किसी भी साधन से, हमने जितनी भी कंजम्पशन है उसको पूरी प्रतिपूर्ति करने का काम राज्य सरकार के द्वारा किया गया,
आज की तारीख में पूरे प्रदेश भर में कहीं पर भी कोई शिकायत नहीं है, कोई भी पावर कट नहीं है, कोई भी पावर कट नहीं है। ये सरकार की उपलब्धि के रूप में भी हमें इसको लेना चाहिए। जिस प्रकार से गंभीरता के साथ बिजली संकट से पार पाने में हमारी सरकार सफल हुई है, ये एक इसको एप्रिशिएट भी करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस का काम केवल और केवल झूठ बोलना, भ्रम फैलाना, और ये मैं सोचता हूँ झूठ बोलना ही इनका एक मुख्य एजेंडा बन गया है। और पूरे चंपावत का जो चुनाव है, चंपावत के चुनाव को हम विकास से जोड़ के देख रहे हैं और वहाँ से पलायन की समस्या को लेकर उसे जोड़ के देख रहे हैं। पलायन की समस्या को हम समाप्त करने वाले हैं और टूरिज्म का हम वहाँ पे बढ़ावा देने वाले हैं। उसी तरह से हम वहाँ के लिए नीतियाँ लेके आए हैं। कई सारी नीतियों की पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा कर चुके हैं और चंपावत को हनी हब, मधु शहर का एक हब बनाने की दिशा में हम लोग एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और जिससे मैं सोचता हूँ चंपावत के लोगों को एक बहुत बड़े स्तर पे रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। और ये बस इसलिए होंगे क्योंकि वहाँ से सीएम धामी चुनाव लड़ने वाले हैं, इसलिए अब चंपावत को ये सारी सुविधाएं दी जाएंगी। सर दुकान का क्या क्या तलब जी, देखिए ये तो निश्चित है कि चंपावत अब एक वीआईपी सीट बन गई है, और मैं सोचता हूँ जो मुख्य माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है तो उसमें सुविधाओं का उसमें सुविधाएं मैं सोचता हूँ थोड़ी सी और अधिक मिलती है। और ये चंपावत की जनता का एक सौभाग्य है, जनता की चंपावत की जनता का एक सौभाग्य होगा कि उन्होंने एक मुख्यमंत्री जी को जिताकर विधानसभा में भेजा, और मैं सोचता हूँ वहां की जनता को उसका उसके लिए बहुत बेहतर सुविधाएं मिले, तो इसमें मैं सोचता हूँ कोई हर्ष वाली बात नहीं है। चलिए हरीश माखुरी जी, अब आपको आवाज मिल रही है मेरी जी। हरीश जी, मैं मुख्य मुद्दे जानना चाह रही हूँ आपसे कि इस बार चंपावत उपचुनाव के मुख्य मुद्दे क्या रहने वाले हैं? क्या बिजली के जो ये कट लग रहे हैं ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है और सीएम धामी के खिलाफ ये मुद्दा जा सकता है? जो बिजली संकट है उससे तो इस समय करीब करीब आधा भारत जूझ रहा है, और खासकर जो नॉर्थ के प्रदेश है, हमारे उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, ये सभी जिले कहीं ना कहीं बिजली की कटौती से जूझ रहे हैं। उसका कारण एक तो जो कोयल का सप्लाई है वो ठीक नहीं है। सिब्बू सोरेन और कंपनी ने जब से छत्तीसगढ़ संभाला है तब से कोयला पे माफियाओं का ज्यादा राज हो गया, उस वजह से पूरे देश में ये घपला चल रहा है। उसके अलावा और भी तमाम ट्रीटमेंट्स हैं फ्री बिजली के कारण, जो है सारा देश ही जो है फ्री बिजली के कारण डूब रहा है। हमारे नेताओं को उसमें चिंता करने की जरूरत है, तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से उत्तराखंड में भी है, चंपावत में भी पड़ेगा, देहरादून में भी पड़ेगा, यात्रा सीजन पर भी पड़ेगा। उसको देखने के लिए सरकार को एक अलग से मतलब विजन, अलग सा दृष्टिकोण अपने जो उत्तराखंड के हमारे बिजली विभाग है, बिजली बोर्ड है, विद्युत नियामक आयोग है, उन सबको मिलकर एक कोलैबोरेशन के रूप में काम करना पड़ेगा ताकि बिजली सुचारू रूप से चल सके। सौभाग्य की बात यह है कि उत्तराखंड में जो हमारी पन बिजली परियोजनाएं हैं, चाहे वो विष्णुप्रयाग की है, चाहे टिहरी की है, चाहे कालागढ़ की, हमारे पास गर्मियों में पर्याप्त पानी रहता है, पर्याप्त बिजली रहेगी, ऐसा मतलब आश्वासन बिजली विभाग भी दे रहा है, हमारी सरकार भी दे रही, तो शायद ज्यादा प्रभाव ना पड़े जितना मैदानी इलाकों में पड़ रहा है। इसलिए बिजली का तो ज्यादा मुद्दा रहना नहीं। लेकिन अब रही बात, कुछ तो चंपावत के स्थानीय मुद्दे होंगे और कुछ जो है चंपावत हमारा इंटीरियर का क्षेत्र है, कनेक्टिविटी की निश्चित रूप से वहाँ पे संभावना मतलब जरूरत भी है। कनेक्टिविटी वहाँ पे मुख्य मुद्दा रहेगा, रोड कनेक्टिविटी होगी, बिजली कनेक्टिविटी होगी। हमारा लोहाघाट बहुत पिछड़े हुए क्षेत्र में आता है, चंपावत बहुत पिछड़े हुए क्षेत्र में आता है, तो सारे इलाके निश्चित रूप से उत्तराखंड के जैसे पिथौरागढ़ है, चमोली है, उत्तरकाशी है, उसी तरह का चंपावत भी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। कनेक्टिविटी की बहुत दिक्कत है, सड़कों की समस्या है, ये सारे मुद्दे रहने वाले हुए। अब जहाँ तक धामी के लिए बात है तो खटीमा के आसपास ही चंपावत बैठता है, कुमाऊं का रीजन है, धामी का अपना क्षेत्र है, तो एक सुविधा रहेगी।
अब कांग्रेस से जहां तक हरीश रावत जी को प्रत्याशी बनाए जाने की बात है, मैं सोचता हूं कि एक तो हरीश रावत जी की जो उम्र है वो अलाउ नहीं करती है, और दूसरा वो पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब विपक्ष में बैठने के लिए उनको शायद कांग्रेस भी चुनाव ना लड़ाए, ऐसा हम समझ पा रहे हैं। बाकी निश्चित रूप से कांग्रेस का प्रयास रहेगा कि ये भी है सर, देखिए आम आदमी पार्टी भी फिर से चुनावी मैदान में है, चंपावत उपचुनाव का लड़ने का ऐलान कर चुकी है आम आदमी पार्टी, वो किसके लिए मुसीबत खड़ी करेगी, कांग्रेस के लिए खड़ा करेगी या बीजेपी के लिए खड़ा करेगी मुसीबतें? आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से पहले भी वोट काटे हैं, तो वो हरीश रावत भी जो कि कांग्रेस के चुनाव प्रभारी थे वो पहले ही बता चुके हैं कि आम आदमी पार्टी ने उनको डैमेज किया है। चुनाव से पूर्व भी हरीश रावत ने आशंका जताई थी कि आम आदमी पार्टी जो है, बल्कि यहाँ तक भी आरोप लगे कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की भी टीम है, वो कांग्रेस के वोट काटने के लिए उत्तराखंड में खड़ी है। अब आरोप प्रत्यारोप में तो मैं नहीं जाऊंगा इन सब पर, लेकिन निश्चित रूप से जो आम आदमी पार्टी का वोटर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सेकुलर वोट है, उस पे डाका डालता है, उससे कांग्रेस को नुकसान होगा जहां तक हम समझ पा रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी को, जैसे मैंने चुनाव से पहले भी मैं टीवी डिबेट्स में ये बात कहता रहता हूं कि आम आदमी पार्टी गलती से भी उत्तराखंड को दिल्ली ना समझे, पंजाब ना समझे, उत्तराखंड अलग मिट्टी का बना हुआ है, देवभूमि का बना हुआ है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी का एटीट्यूड रहता है निश्चित रूप से वो उत्तराखंड के लिए सूट नहीं करता, इसलिए उत्तराखंड ने आम आदमी पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव में आईना दिखाया है, और अभी भी निश्चित रूप से बहुत ज्यादा वोटों की स्थिति में चंपावत में आम आदमी पार्टी रहेगी नहीं, मुख्य टक्कर जो है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही रहेगी। कांग्रेस को अभी बहुत मेहनत करने की जरूरत है उत्तराखंड में, हरीश जी निश्चित रूप से मैं यही कहना चाह रहा हूँ, उनको अभी बहुत मेहनत की आवश्यकता है, उत्तराखंड के दशा दिशा इसकी देवभूमि के अनुरूप योजनाएं बनाने की आवश्यकता है, फ्री बिजली का झांसा उत्तराखंड वालों ने नकार दिया है। चलिए सूरज सिंह नेगी जी, पलड़ा बीजेपी का ही भारी क्यों नजर आ रहा है सर, और पहले तो ये बताइए कि आप प्रत्याशी कब तक घोषित करेंगे, और दूसरा हरीश रावत को सीएम धामी के सामने चेहरा बनाने की चुनौती दी है बीजेपी ने आपको, क्या वो चुनौती स्वीकार होगी? तीन सवाल मेरे। देखिए पल्लवी जी, जहां तक हरीश रावत जी का चुनाव लड़ने का प्रश्न है, तो हरीश रावत जी का चुनाव लड़ने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता, क्योंकि कोई उद्देश्य भी हरीश रावत जी के सामने नहीं है कि वो केवल एक विधायक का चुनाव लड़े, इसलिए जो प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं उनके लिए मैं समझता हूँ कि उस चंपावत से चुनाव लड़ना कोई मायने नहीं रखता। और जो प्रत्याशी की जहां तक बात करिए आपने, प्रत्याशी बहुत जल्दी ही जो है हमारा घोषित हो जाएगा, और मैं जैसे भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र कह रहे थे कि तमाम राज्यों में बिजली का संकट है, हम इनसे पूछना चाहते हैं कि ये ऊर्जा प्रदेश का नाम किसने इस प्रदेश को दिया, और ऊर्जा प्रदेश में आज ही हमारे 56 पावर प्रोजेक्ट जो है वो अधर में लटके हुए हैं, किसी पर भी काम नहीं हो रहा है। सूरज जी, मैं थोड़ी देर के लिए आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, चलिए एक बार फिर से अपने मुद्दे पर आकर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सूरज जी, आप अपनी बात जारी रखिए। अब ये तो मैं कह रहा था पल्लवी जी, एक 56 पावर प्रोजेक्टों का जो भविष्य अधर में लटका हुआ है, डबल इंजन की सरकार 5 साल में उस पर कुछ नहीं कर पाई, और अब जो है पहले घोषित और अब अघोषित कट जो चल रहा है उस पर जो है ये दूसरे राज्यों का उदाहरण देते हैं। हम कह रहे हैं भाई, हम उत्तराखंड के लोग हैं, उत्तराखंड में चुनाव हो रहा है, उत्तराखंड की बात कर लीजिए। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे हैं कि पलायन पर हमारी सरकार काम कर रही है, पिछले 5 सालों से पलायन आयोग का गठन हुआ, उस पलायन आयोग ने क्या किया, क्या सर्वे किया, क्या उसने जनता से पूछा, क्या उसका रिजल्ट है, उसका कहीं अता पता नहीं है। और तमाम ये कह रहे हैं कि जो है जो मुख्यमंत्री जो चुनाव लड़ रहे हैं वहां से, तो वो चंपावत की जनता का सौभाग्य है। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि अगर वो कैलाश चतुर्वेदी जी को मुख्यमंत्री बना देते बिना चुनाव के ही, दोबारा उन पर चुनाव सौंपे हुए, तो क्या उससे चंपावत की जनता का सौभाग्य जो है कुछ कम हो जाता? मैं तो समझता कि वो सौभाग्य था कि कैलाश चतुर्वेदी जी जो निर्वाचित विधायक थे वहां के, उनको वो मुख्यमंत्री बनाते। तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो कुतर्क हैं, जनता इनको समझ रही है, और जैसे जैसे इन्होंने काम किया उसका दंड जो है उत्तराखंड की जनता चंपावत में जो है, क्योंकि वो न्याय की भूमि है, निश्चित तौर पर जो है
न्याय करेगी। तो न्याय तो हुआ सीएम धामी के साथ भी, मैं आपको वही तो बोलने की कोशिश कर रही थी सर, अगर उन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटा देते, क्योंकि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा उन्हें ही बनाया गया था, तो क्या ये खुद पुष्कर सिंह धामी के साथ न्याय होता? उसके बाद आप लोगों का सवाल ये होता कि देखिए बीजेपी आला कमान ने वादा खिलाफी की, पहले धामी को चेहरा बनाकर पेश किया, उसके बाद अगर वो अपनी सीट से हार गए तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया, ये तो वही बात होगी, चित्त भी अपनी पट भी अपनी। उत्तराखंड न्याय भूमि है ना सर, देव भूमि है, अगर किसी शख्स के साथ न्याय हो रहा है तो इसमें इतना गलत क्यों लग रहा है आपको? क्या वाकई में आपको लगता है एक शख्स जिन्होंने इतनी मेहनत की और अपनी पार्टी को जीत दिलाई, उनके साथ वाकई में ऐसा होना चाहिए था कि उन्हें हटा देते, कि आप अपनी सीट से हारे तो आपको हटा देते हैं? केवल जीत जो है, जीत केवल और केवल चुनाव को सांप्रदायिक रंग देकर के हुई है। ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रदेश जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जन्म हुआ है। इन लोगों ने जिस प्रकार से झूठ झूठ बोल करके एक चुनाव को पूरा सांप्रदायिक रंग दिया, उसका प्रतिफल है। अब देखना यह है कि चंपावत में कौन सा ऐसे जो है सांप्रदायिक काल खेलते हैं, वो देखने वाली बात है ना। हरीश रावत ने नहीं उठाया, कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने उठाया था सर, हरीश रावत ने नहीं उठाया। किसी भी नेता ने, शर्म नहीं आती आपको? अरे शर्म तो आम से नेताओं को आनी चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को आनी चाहिए, गृह मंत्री को आनी चाहिए, रक्षा मंत्री को आनी चाहिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आनी चाहिए। और अगर आपको शर्म है तो चुनो भर दुख पानी में जो है डूब के मर जाना चाहिए। पूरे चुनाव में जहाँ भारतीय जनता पार्टी विकास की बात कर रही थी, हम नहीं रहेंगे आपने विकास की बात, नहीं रहेंगे आपने विकास की बात, कहीं आपने ये नहीं कहा कि हमने पांच साल में क्या किया। एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं सर, एक एक करके। अगर आप विकास की बात करते तो आप जो है, अगर वर्मा जी अगर आपके आपके अगर आप भूल रहे हैं तो आप प्रधानमंत्री जी का भाषण की आप प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड में दिया गया भाषण सुनिए, गृहमंत्री का उत्तराखंड में दिया गया भाषण सुनिए, आप जो है मुख्यमंत्री का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे आपके बड़े बड़े नेता हो, सबके भाषण सुन लीजिए, आप सबके भाषण सुन लीजिए। उन भाषणों में केवल केवल मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला था, सांप्रदायिक उसका मामला था, और धामी जी सफलता के साथ में समाज नागरिक दोनों से एक एक करके बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। संजीव वर्मा जी और सूरज जी, एक एक करके हम बात करते हैं। हम संजीव जी, पहले आप अपनी बात रख लीजिए, उसके बाद में सूरज जी आपका रुख कर लूंगी। बताइए वर्मा साहब। पल्लवी जी देखिए, मैंने पहले कहा भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह से स्पष्ट हो गए, हम लोग विकास के नाम पर चुनाव मैदान में जाते हैं, विकास हमने करना है, वहां का हमने टूरिज्म बढ़ाना है, वहाँ के हमने स्वरोजगार के नए नए साधन वहाँ उपलब्ध कराने हैं, वो चंपावत को हम हनी हब बनाने जा रहे हैं। मैं सोचता हूँ वहाँ की आर्थिकी बढ़ेगी, वहाँ के लोगों का एक जीवन का एक उच्चीकरण होगा, वहाँ स्वरोजगार के नए साधन उपलब्ध होंगे, वहाँ नई। आप उन्हें एक बार में जवाब दे दीजिए ना सर, कि आपके पास जब इतने सारे विधायक थे तो उन विधायकों में से किसी को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया? लगातार सूरज जी एक सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आपके और विधायक इतने केपेबल नहीं थे कि वो मुख्यमंत्री बन पाते? धामी को ही मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया और ये उपचुनाव क्यों करवाए जा रहे हैं? पल्लवी जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हमारे कैपेबल और मैं सोचता हूँ एक ऊर्जावान व्यक्ति
शक्ति है, ऊर्जावान इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी और ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम चुनाव मैदान में गए और हमारे जो केंद्रीय हाईकमान है उन्होंने उनको उपचुनाव लड़ाकर पुनः दोबारा से धामी टू सरकार जो हमारी बनी है इसलिए उपचुनाव में जाने का मौका दिया और मैं अपने हाईकमान का भी आभार व्यक्त करता हूं और तमाम भारतीय जनता पार्टी का तमाम कार्यकर्ता बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक का हम सभी लोग एकजुट होकर माननीय मुख्यमंत्री जी को एक प्रचंड बहुमत के साथ वहां से जिता कर लाएंगे और एक उत्तराखंड में एक ऐसा इतिहास कायम करेंगे कि एक तरफा जीत माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की होगी और उत्तराखंड के लिए एक ऐसा इतिहास हम लोग कायम करेंगे जो शायद कभी ना टूटने वाला हो। हरीश जी, मेरा यही सवाल आपसे भी रहेगा सर कि क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी ने इस भारतीय जनता पार्टी का न्याय कहेंगे इसे कि धामी को ही मुख्यमंत्री बनाया गया, अपनी सीट से वो हार गए बावजूद इसके मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बदला गया? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने कोई इससे पहले पश्चिम बंगाल में भी जो तृणमूल कांग्रेस है वो ममता बनर्जी चुनाव हार गई थी लेकिन उन्होंने उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया और ऐसा पहले भी हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए क्योंकि सोशल मीडिया पर भी धामी के लिए जो है कंपेन चल रहा था कि इन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाए, उनकी लोकप्रियता चरम पर थी, इसको देखते हुए भी शायद उन्होंने इसको वो बनाया, मुख्यमंत्री बनाया हार के बावजूद खटीमा में। और आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय कमेटी ने जो उनके राष्ट्रीय महासचिव हैं और मुख्यालय प्रभारी हैं अरुण सिंह, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का चंपावत का प्रत्याशी भी इनको आज घोषित कर दिया है विधिवत रूप से और उसका जो है वो जारी हो गई है, उनकी तरफ से लिस्ट जारी हो गई है। तो उसी तरह से अभी जो दूसरी अन्य पार्टियां जो भी कंटेस्टेंट और अन्य पार्टियां हैं उनसे अभी प्रत्याशियों की लिस्ट आनी शेष है, कौन प्रत्याशी बनाया जाता है इस पर भी डिपेंड करेगा। लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियां हैं वो उसको देखते हुए तो ये लग रहा है कि काफी हद तक जो है ये चुनाव को हर हाल में जीतने के लिए ही चुनाव लड़ रहे हैं। जो दूसरी पार्टियां हैं उनको भी निश्चित रूप से तैयारी इसी लेवल की करनी होगी कि ताकि वो पुष्कर सिंह धामी को कड़ी चुनौती प्रस्तुत कर सकें। सूरज जी, उतने तैयारी अभी आपकी नजर नहीं आ रही है जितनी भारतीय जनता पार्टी की है इस समय। करण महारा कहाँ हैं, कब जाएंगे वो चंपावत? जी मैं पल्लवी जी, पहले तो मैं जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जो है धामी जी को इनाम दिया है तो इनाम तो वो दूसरे रूप में भी दे सकते थे। हमारी राज्यसभा की सीट खाली हो रही है, राज्यसभा से उनको सांसद बनाने का बना करके दे देते और इनाम जो है उनको केंद्र में मंत्री बना करके भी दिया जा सकता था। इस उत्तराखंड का जो चंपावत का उपचुनाव है इस उपचुनाव से बचा जा सकता था अगर भारतीय जनता पार्टी के 47 विधायकों में योग्यता होती मुख्यमंत्री। इससे तो ऐसा ही लग रहा है कि 47 में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो मुख्यमंत्री बन सकता हो। और पल्लवी जी, मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ कि जिसको भी अपना प्रत्याशी बनाने जा रहे हैं वो कौन से गुट से बिलोंग कर रहा है? उसकी बात छोड़िए, आप उसके बात छोड़िए, आप ये बताइए धामी को किसने हराया, आप ये बताइए कि किस गुट को धामी को हराया। अरे आप इसमें मत बोलिए, आप जवाब दीजिए बात का, आप बात का जवाब दीजिए, आप कांग्रेस की बात छोड़िए। प्रदेश अध्यक्ष पर आपने जो हराने के आरोप लगे हैं, क्या वो प्रदेश अध्यक्ष धामी को हरा देंगे वहाँ पर? अरे उनका वहाँ पर नाम
गुटके हैं और लश्कर के हारे हुए विधायक संजय गुप्ता किस गुटके हैं ये बता दीजिए। हमसे ज्यादा मजबूत हुई है अपने बारे में। हम ये कह रहे हैं कि अगर 45 विधायक अगर धामी जी के नेतृत्व में आप चुनाव जीते हैं, धामी जी को इनाम देने की बात होती तो आप उनको राज्यसभा भेज देते, केंद्र में मंत्री बना लेते, उनको इनाम हो जाता। परंतु आपने आपके द्वारा होता गया चुनाव है ये उत्तराखंड की जनता पर, चंपावत की जनता पर आपने चुनाव सौंपा है और इसका जो है परिणाम भी जो है जनता देगी, आपको इसकी सजा जरूर देगी। संजीव वर्मा जी, आप लोग तो हार देंगे। देखिए कांग्रेस पार्टी सीधा सीधा इनको इनको मालूम है कि हम लोग हारने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अरे डरे हुए आप हैं, डरे हुए आप हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पर जिस प्रकार से ट्रांसफर किए हैं, अपने मनपसंद के अधिकारियों को बिठाने का काम किया है, तो आप जो है जनता पर आपको भरोसा नहीं है। आप अधिकारियों के अंदर मुझे चुनाव जीतना चाहते हैं। वहाँ पर जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मैंडेट दिया है और कांग्रेस पार्टी एक तरह से अपना कैंडिडेट ही नहीं उतारती, तो मैं सोचता हूँ आप लोगों के लिए एक अच्छी बात होगी। और ये जनता का मैंडेट नहीं है, ये आपके झूठ का मैंडेट है। उत्तराखंड का चुनाव जो है आपके जो है झूठ का चुनाव है। ये झूठ की पोख से उत्पन्न उपजा हुआ रिजल्ट है, ये झूठ की पोख से बनी हुई सरकार है। चलिए अब उपचुनाव में ज्यादा समय बाकी नहीं है, देख लेंगे सर कि इस बार जनता किसको क्या मैंडेट देती है। फिलहाल आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े, और इसी के साथ उत्तराखंड का महासंग्राम में भी इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।